प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हिमाचल के ऊना में देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन अम्ब अंदौरा से चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली तक जाएगी और इससे दिल्ली और चंडीगढ़ का सफर 3 घंटे से भी कम वक्त में पूरा होगा। अभी शताब्दी के जरिए दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच यात्रा में करीब 3.5 घंटे का समय लगता है। इस ट्रेन से दिल्ली और हिमाचल के अम्ब अंदौरा के बीच की दूरी 5.5 घंटे में तय हो पाएगी। ये ट्रेन अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। रेलवे द्वारा जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन नई दिल्ली से सुबह 5:30 बजे चलेगी। नई दिल्ली के बाद उसका पहला स्टेशन अम्बाला होगा, जहां पर ये ट्रेन 8 बजे पहुंचेगी और 2 मिनट के ठहराव के बाद चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएगी। ये ऊना हिमाचल 10:34 पर पहुंच जाएगी और उसके बाद 11:05 पर अपने गंतव्य अम्ब अंदौरा तक जाएगी। वापसी में ये ट्रेन अम्ब अंदौरा से दोपहर बाद 1 बजे रवाना होगी। शाम 6:25 पर ये ट्रेन नई दिल्ली पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि ये देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के रूट पर चलती है, दूसरी नई दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई थी, तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत पिछले दिनों ही हुई है। ये नई पीढ़ी की वंदे भारत एक्सप्रेस है जो अहमदाबाद के पास स्थित गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के बीच चलती है। वहीं सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।